मेरे रूम में भी बहुत ही ज्यादा नो फॉगी फॉगी सा लग रहा है आपको। अभी हम ओपन करेंगे अपने गिफ्ट्स। मैं महंगा वेट कर रही हूं। जाओ जाओ पापा के साथ गिफ्ट खोलो। जाओ पापा के साथ खोलो। पापा चलो गिफ्ट खोलते हैं। रहन जगाए मस्त मस्त मगन। इस पागल लड़की ने एक अपना लगा रखा है। चाचा और चाचा मुझे साफ साफ बता रहे कुछ नहीं हो रहा फोन में। वो दिसंबर में कर दो। मेरे पीछे घूमने का रोज आइए आइए अपार्टमेंट। हाय गाइस, सारी लिपस्टिक खराब हो गई। मैक की लिपस्टिक भी नहीं टिकती, डोंट नो व्हाई। मेरा मास्क खराब हो गया। अच्छा तो अभी ऐसे मैंने आपको दिखाया, सब जगह धुआं धुआं है। इवन मेरे रूम में भी बहुत ही ज्यादा नो फॉगी फॉगी सा लग रहा है आपको। सारी चीज़ें अभी सैनिटाइज हुई हैं। एक्चुअली हम लोग सब जब शादी, अभी जस्ट रिसेंटली तो शादी हुई है, तो शादी में हम लोग काफ़ी लोगों से मिल लिए थे, जिसकी वजह से पापा ने, मतलब मेरे फादर इन लॉ ने पूरे घर को सैनिटाइज करवा दिया, हम सबको सैनिटाइज करवा दिया। यू नो सेफ्टी पापा ज़्यादा रखते हैं, तो आप देख सकते हो मतलब सब मेकअप वेकअप सब कुछ खुलवा के सारी चीज़ें, ब्लैंकेट बेड सब कुछ सैनिटाइज करा दिया। बस रह कौन गया? मेरा पति, मतलब मयंक। मयंक घर पे नहीं है। बाकी सारी चीज़ें पार्क फ्लोर कर्टन्स सब चीज़ें सैनिटाइज हो गई हैं। मैं आप लोगों के साथ आज के व्लॉग में शेयर करूंगी मेरे वेडिंग गिफ्ट्स, मतलब मेरे और मयंक के वेडिंग गिफ्ट्स। काफ़ी सारे गिफ्ट्स हमने यू अभी खोले नहीं है। हाँ जी एक सेकेंड, अभी हम शेयर करेंगे हमारे वेडिंग गिफ्ट, जिसमें से एक ये वाला भी है। पता नहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा, दिख जा फोकस। लुक एट दिस ब्यूटिफुल, इट्स सो प्रिटी, यू सो प्रिटी। इसमें लिखा है किस, एक कपल है। तो अभी हम ओपन करेंगे अपने गिफ्ट्स। मैं महंगा वेट कर रही हूँ, अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो खुद ही कर लेंगे। थोड़ी देर में मिलती हूँ, बैटरी चार्ज करनी है मुझे। रहन जगाए मस्त मस्त मगन। पागल लड़की ने एक अपना लगा रखा है, मेरा लगा रखा ये भयंकर का ये वाला मेरा। इसमें गाना बज रहे मन मस्त मगन। दो नहीं, चलो जल्दी आओ, कम आरोप मेरा, चलो नो मेरा रिकॉर्ड दो, मैं ले जाऊंगा। ये लड़का मेरी सुनता नहीं है यार, से शादी घर से निकलना बंद कर रखा है 6 दिन से मेरा। 6 कितना झूठ, आज भी 2 बजे गया मैं, रात में 9 बजे आया है, कल भी गया था, परसों भी गया था, लग ही नहीं रहा मेरी नई नई शादी हुई, रोज छोड़ के निकल जाता है। अरे एयरपोर्ट पे तुमसे अच्छे तुम्हारे घर वाले हैं, हर वक्त मेरे पास होते हैं, मेरे साथ होते हैं। बाथरूम में घुस जाऊंगी। मेरा एयरपोर्ट दो, दे दो मेरा एयरपोर्ट, दे दो किसी कर। अच्छा दे दो आज ले लो, चलो आ जाओ, चल रहे हैं, चलो हम गिफ्ट्स गिफ्ट्स ओपन करेंगे। ये कोरोना दूर चलो। चलो जल्दी आओ, चलो 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 ओपन करना है, चलो 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 चलो। क्या बना रखा है? कुछ नहीं है। पति का क्या बना रखा है? कुछ नहीं, जल्दी बोलो। पता, मेरे सारे दोस्त आज जामा मस्जिद खाना खाने गए हैं, और मेरे को कुछ गाड़ी का काम था, मैं वो करा के डायरेक्ट घर आया हूँ। 2 बजे निकला पता है घर से, नहीं मैंने मैं 2 बजे निकला था। देखो मैं 4 लग गया, मैं सजी भी नहीं, काम इसी का था और इसी की गाड़ी का था, और मैं 4 घंटे लग गए मेरे को। और फिर उसके बाद मेरे दोस्तों ने प्लान किया जामा मस्जिद जा रहा खाने के लिए, और मैं लाजपत नगर से वापस आया स्पेशल। मेरा बैक वॉल देखो कितना सुंदर है, हमारा टीवी आने वाला है, हमारा टीवी आने वाला, चलेंगे फाइनेंस कराने, चलते हैं, चलो फाइनेंस कराने, कैश लेंगे क्या? मोटा माल है, ये वाला चीज मैं ले लूंगी, ये चीज मैं ले लूंगी। देखो कितना सुंदर है मेरा पति, मोटा हो गया, बहुत खा लिया शादी में, मैंने बहुत मीठा खाया, मैंने अभी भी इतना सारा मीठा खाया, और अभी शायद मुझे पराठा छोले खिलाया मस्त बना के। जाओ जाओ पापा के साथ गिफ्ट खोलो, जाओ पापा के साथ खोलो, पापा चलो गिफ्ट खोलते हैं। सबसे पहले अंकित और निधि, सबसे पहला गिफ्ट अंकित निधि, खोलो खोलो। जल्दी आवाज, दूर आवाज आ रही होगी, आ रही होगी आवाज, क्यों नहीं आई? आ जाए बच्चों का चिंता करना दो, पापा जाओ, पापा पापा में शर्म आ रही है, पापा नहीं कर पाएंगे ना आपको समझा, पापा आ जाओ दो, कैसे देख रहे घूम रहे बैठ के, आ जाओ बच्चों को, आ जाओ थोड़ा वो भी नहीं कर पा रही बेचारी, ये गुलाब लाई थी मैं कल। तो फर्स्ट गिफ्ट जो है वो हम खोलने वाले हैं, अंकित और निधि कटियार। अंकित निधि कटियार, हाँ। कटियार निधि कटियार, अंकित उसका भाई है, बता नहीं जरूरत नहीं, सब जानते ही निधि को। आई थी निधि, मैं पहले बता दूं, इसलिए हमें गिफ्ट मिला शादी का। हाँ आई थी, पर वो बहुत जल्दी ब्लॉगिंग में भी आएंगे, मेरे से मिल के गई थी। ये बड़ा सा बॉक्स है, मेकअप तो नहीं है मेरे लिए, आई माइंड ऑफ द स्टेज देखो, अगर मेरे मतलब को तो मैं रखूंगा, और शायद मतलब को तो खैर रखेगी। अच्छा
हमने पहले बोल दिया भाई गिफ्ट बांट लेंगे हम पहले बराबर बराबरी की बात है। इट्स अ वैनिटी बॉक्स, इट्स नॉट फॉर यू, इट्स नॉट फॉर यू। जर मेकअप का बॉक्स, वैनिटी बॉक्स, आई नो इट्स अ मेकअप बॉक्स जो मैं दूंगी कामाक्षी की शादी में, जो इस वक्त शूट कर रही है, जो हमारा वीडियो शूट कर रही है। मेरा कैमरामैन पर्सनल, मैं इसको रुपए देता हूँ महीने के 500 रुपए। इट्स अ वैनिटी बॉक्स, अच्छा वाला, सुंदर वाला। चलो पहला गिफ्ट है जो मेरे मतलब का नहीं है पर बहुत सुंदर है। मुझे अरे पन्नी निकल रही इसकी तो मैं सोचा गिफ्ट, अरे मैंने उल्टा खोल दिया सॉरी। ये देखो कितना सुंदर मेकअप बॉक्स है, मैं मेकअप आर्टिस्ट बनने वाली हूँ जल्दी, ऐसे बहुत सुंदर है देखना है ना। ओह नाइस, ये मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी तो ये अब शायद ये लेके जाया करेगी और घर में मेकअप करने के लिए जब फ्रीलांसिंग करेगी। और इसके पास सब ताला भी है तो यार महंगे होते हैं ना। अच्छा हाँ, इसमें लॉक भी है। जल्दी जल्दी रखो, जल्दी जल्दी करते हैं। थैंक यू सो मच निधि, मैंने तुमसे कहा था मुझे शादी में मेरा गिफ्ट पेंडिंग रहा है ठीक है अंकित के ऊपर। हाँ अंकित ने गिफ्ट नहीं दिया, अंकित हमें गिफ्ट चाहिए। अंकित ये वाला अब ये किसका है? अच्छा उससे पहले मैं आपको दिखा दूंगी ये वाला गिफ्ट जो पैक्ड ऑलरेडी, ये मुझे दिया है जारा ने। जारा आप नहीं जानते हो आई गेस, बट कुछ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टीम से आई गेस मुझे गिफ्ट दिया है ये, इस पे नाम नहीं लिखा है, पता किसका है? ये मेरी भाभी का, पूनम भाभी, सोनी भाभी है ना, उनके घर मेरे पुराने। इतने दिनों के बाद आज हमें अनबॉक्स करने का मौका मिल रहा है क्यों, हमने इन्हें क्वारंटाइन करके रख दिया था। क्वारंटाइन करके रख दिया था 10 दिन, 5 दिन के लिए रख दिया था हमने इसको सबको। चाय की साइड से ओह वाओ, दिस इज काफी एंटिक है, ये एंटिक पीस है और बहुत हैवी है। ये पूनम भाभी ने दिया है, ये 110% पूनम भाभी ने दिया है। अच्छा विलेज क्लॉक, ओ कौन सा वाला लगाओगे? अभी बताता हूँ मैं, हमें एक और क्लॉक मिली है और ये बहुत ही सुंदर है, मतलब बहुत सुंदर, बहुत हेवी है, दिखने में हल्की सी लग रही है पर सच में बहुत हेवी है और बहुत सुंदर भी है। ये वो है ड्राइंग वगैरह में, ड्राइंग रूम वगैरह में, मेन हॉल में लगा सकते हैं क्योंकि हमारा मेन हॉल भी गोल्डन इससे बिल्कुल मैच करता हुआ है, गोल्डन दीवार है वहां पर, अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट शाय का, वैसे मैं थैंक यू बोल रहा हूँ। साढ़े ग्यारह का टाइम ही नहीं मिलता था। और ये तो मुझे पता है ये गिफ्ट मेरी दोस्त उसने श्रेया, हमारी दोस्त सॉरी श्रेया कालरा ने दिया है और कांची एमसी ने दिया है, अगर देख रही हो तो भाई कांची एमसी, हाँ उसका मैं सरनेम एमसी है, वो समझ जाएगी। तो थैंक यू सो मच, ये बहुत ये वाली क्लॉक भी बहुत क्लासिक है, ये बिल्कुल हमारे बेडरूम के उससे मैच करती है। और उसने मेरे से पूछा था कि तेरा कलर कैसा है, मैंने उसे बता दिया मेरा कलर ऐसा है और उसने पता नहीं यही गिफ्ट कर दिया और ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, थैंक यू। वैसे कांची तेरी पसंद ऐसी है नहीं, मुझे पता है कांची श्रेया ने पसंद किया पर थैंक यू। अरे इसमें भी और अंकित ने निधि, अंकित ने निधि, अच्छा वो निधि का था, ये अंकित का है, अंकित निधि से भी अंकित निधि लिखा हुआ है। ओ ये भी अंकित निधि का है, ये शायद मेरे लिए होगा फिर, ये रिसेप्शन में तो नहीं देखी। अरे यार ये भी आप ही का है और ये हमें जैसा ही है, मिस्टर राइट तो कभी होते नहीं है, मिसेज ऑलवेज राइट। नहीं वो मेरे एक दोस्त का है, ये इसके ऊपर साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है मिसेज ऑलवेज राइट, ये बताने की जरूरत नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में पहले से ही कर रखा है कि लड़कियां हमेशा राइट होती है, मिसेज लिखा है ना, लड़कियां लिखा है। हाँ मिसेज शादी के बाद मिसेज ऑलवेज राइट, थैंक यू सो मच, मेरे किसी काम का नहीं है पर फिर भी थैंक यू यार, मेरे को एहसास दिलाने के लिए, एहसास दिलाने के लिए जिसका एहसास दिलाने की जरूरत नहीं। अभिषेक एंड गौरव का है, अभिषेक एंड गौरव, ओके मेरा ये दोस्त है, ये टीम ही है, ये मुझे लग रहा है कि उसने तो पूछा था और शायद वो ही है, उसने तो पूछा था, सानू जाएगा चाय का, मेरे घर में चाय बहुत पीते हैं, मेरे को छोड़ के मेरा सब चाय नहीं पी और मेरे घर में ऐसा कोई दिन मिनट नहीं जिसमें लोगों ने चाय ना पी हो। केटल यार, तो केटल ना वही कॉफी मेकर, टी मेकर केटल, ये केटल है, ये टी मेकर नहीं है, केटल है ये चाय बनाने के लिए होता है ना, नहीं सब कुछ अंडा उबाल सकते हैं, चाय बना सकते हैं, चाय के लिए वैसे कुछ भी, इसे चाय छपी हुई है कि मेरे से बोला चाय के लिए। और गौरव साले तेरे से एक बात बोल ली है कि भाई जब तुमने फोन किया कि अलग अलग गिफ्ट दोगे तो तूने इसमें कैसे पैसा दिया मुझे ये बता दे, थैंक यू सो मच भाई अभिषेक यार तूने जो बोला तूने दिया, पर यार ये बड़ा अच्छा है,
कि मैंने उसको बोला था कि यार शायद चाय बहुत बनानी पड़ेगी इसलिए शायद के लिए ये दे दी हूं। मैंने उसको बताया था पर गौरव तेरा गिफ्ट पेंडिंग है तेरे तो मैं तो बताऊंगा साले। चलो स्टार्ट करो ये गिफ्ट किसी का गिफ्ट ये शायद दीपक भैया का। चलो ये किसका ये मेरे जेठ जी ने मुझे गिफ्ट में दिया। किसने मेरे जेठ जी कौन से मेरे कौन से जेठ जी अक्षय ये अक्षय ढूंढने लगा कोई क्यों एक्चुअली क्या है ये अक्षय ने कहा था कितने पैसे मिले वो भी बता दो अक्षय को। अक्षय ने कमरे में बांधा था अक्षय को बांधने की रस्म होती थी सुंदर अक्षय को शायद कितने दिए 5100 नेक में दिया शायद ने। थैंक यू ब्रदर। खोलने जा रहे हैं अजहर का गिफ्ट है। अजहर का ये मुझे पता है क्या है ये मेरे दोस्त मेरे से बिना कुछ कुछ लेते नहीं मेरे दोस्त बड़े अच्छे हैं। ये पहले ना वो बेचारा लेने गया था हमारे लिए बाथरूम जो शायद नहाने के बाद पहनती नहीं टॉवल बांधते हैं ऐसे करके टोपी वगैरह पर वो उसने क्या किया वो कह रहा भाई मैंने पहन के देखा मेरे इतना छोटा था तेरे तो आता नहीं तो फिर उसने कहा मैं टॉवल सेट ही ले लेता हूँ। उसको उसको भक्की का टॉवल सेट लेके आया बड़ा अच्छा है बड़ा अच्छा सर कह रहा था। बाकी अब इसका टॉवल किसे जाएगा ये टॉवल मेरे लिए क्योंकि दोस्त मेरा है और इसमें सेट है ओके ओके अरे दोनों के लिए दोनों के लिए सेट है और दोनों में छोटे हैंड टॉवल भी है साइजेस होते हैं। तो आपको छोटा मेरा बड़ा है महंगे वाले टॉवल्स हैं। थैंक यू अजहर ब्रो बड़ा सुंदर है बड़े अच्छे पैकिंग है ये ऐसा ही पैकिंग है कि मैं किसी और को भी ऐसा गिफ्ट कर सकता हूँ। अब मैं खोलूंगी और ये गिफ्ट बहुत ही अच्छा है। कौन सा किसका है शाहनवाज़ शाहनवाज़ का पर उसने बता दिया था मेरे को क्या है तुम्हें क्या बताया मुझे बताया गाइस ये हमारे लिए है। इसमें लिखा है यू टू आर बॉर्न टू बी टुगेदर यू टू आर बॉर्न टू बी टुगेदर सॉरी सर You two were born to be together. I just feel it with everyone, every piece of my heart. आधा मिट गया पेन से लिखा था God bless you and the left life that sorry, a life that is waiting for you. Thank you. Congratulations on your wedding. Thank you, Shahnawaz, for beautiful line. यार मैं ना वो ना पेन से थोड़ा मिट गया है तो इसमें पेन से लिखा था वो थोड़ा हाथ लग रख के मिट गया। नहीं ये हमारे कमरे के लिए है और ये हमारे ट्रिपर पे जाने के लिए ये है अलेक्सा इको वॉट और ये एक तरीके से म्यूजिक सिस्टम है और हर चीज को कंट्रोल करता है। इसमें हाई अलेक्सा बोलो और आपसे बात भी करता है। चार्ज करना पड़ता है वो बोलेगा 25 बार रिपीट करेगा पर फिर भी थैंक यू शहनवाज फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट और ये मुझे बहुत जरूरत भी थी मेरे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं थी आज तक मैंने ट्राई भी नहीं की थी। अच्छा ये मेरे ये हमारे हैं दास मैनेजर कॉर्पोरेशन बैंक के पापा के बहुत ही बेस्ट फ्रेंड हैं तो उन्होंने गिफ्ट दिया है और ये मैंने चुपके से थोड़ा सा खोल के देख लिया था। ओके ये है इंडक्शन कुकर। ओ वाओ हमारे पास दो दो इंडक्शन हो गए। यस यस अगर एक साल में कोई खराब हो गया तो हम दूसरा यूज कर सकते हैं हमें वारंटी में चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ कमाक्षी के दहेज के लिए आप सब मेरे ब्यूटीफुल गिफ्ट बड़ा अच्छा है बहुत अच्छा है। प्रेस्टीज कंपनी मुझे लगता है अच्छी है क्योंकि हर कोई प्रेस्टीज पे जाता है। इनफैक्ट हम भी प्रेस्टीज प्रेफर करते हैं और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है यार प्रेस्टीज की। थैंक यू सो मच हमें बड़ा पसंद आ रहा है गिफ्ट अब तक बड़े अच्छे और यूजफुल गिफ्ट है। ये गिफ्ट किसका अरे ये उनका तो कुछ अच्छी चीज है। चलो हाँ उन्होंने कहा था इसको खोल के देखना। प्रीति भाभी ने दिया और प्रीति भाभी ने बोला था उन्होंने पसंद किया है बड़ी स्ट्रॉन्ग पैकिंग की है और चीज जैसे पैकिंग सुंदर पैकिंग बेकार मत करो ना तो फट गई प्यार से खोला करो ना। अरे नहीं यार क्यों ना ऐसे खोल जाते हैं ये क्या है वुड गिफ्ट स्टोर डॉट इन डॉट कॉम सॉरी मैं क्या गलत पढ़ रहा हूँ मेरी इंग्लिश खराब हो गई पर नहीं आंखें खराब हो गई हैं दोनों ही लग रही है मुझे तो क्या अच्छा है माय फ्रेम ओह वाओ ये तो बहुत सुंदर है। ये है लव लाफ्टर एंड हैप्पीली एवर आफ्टर क्या लिखा है यार मेरी इंग्लिश खराब हो गई है लव आफ्टर एंड हैप्पीली एवर आफ्टर गाइस लुक ये उन्होंने बनवाया कहीं से बहुत पहले कहीं से प्लान करके बनवाया है और ये बड़ा सुंदर है और ये इसके साथ पील भी है इसको आप टांग सकते हो बहुत सुंदर है अनएक्सपेक्टेड ये उन्हीं की शादी की फोटो है। हाँ, उनकी शादी में हम मिले थे और कर लेंगे इसको हम कलर से भर लेंगे पर ये बहुत सुंदर है सच में बहुत सुंदर है अनएक्सपेक्टेड और सच में बहुत प्यारा है सबसे यूनिक सबसे ज्यादा हमारी पसंदीदा फोटो है ये बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच मुझे इसमें मैं तो अच्छे नहीं लगे
हाँ यार वो मेरा फेस उल्टा कर दिया थोड़ा सा, पर ये बहुत सुंदर शाइन होट तो बिल्कुल बराबर लग रहे मिंडक जैसे, पर ये बड़े थोड़ा बड़ा सा कर दिया, पर ये बहुत सुंदर है। थैंक यू भैया, थैंक यू, सच में बहुत प्यारा है। मिस इज ऑलवेज राइट, किसका नाम नहीं है, नाम नहीं। भाई अगर आप हमारी वीडियो देखते हो जिसने भी गिफ्ट दिया है, मुझे नहीं पता पैकिंग ऐसी थी और वो गिफ्ट देख के अपने पहचान ही जाएंगे। ये है और मम्मी मेरे से थोड़े दिन पहले कह रही थी कि ये नया ले लियो, और ये सच में नया आ गया। शादी का ये फायदा जरूर, आपका घर का सारा सामान आ रहा है, घर का सारा सामान आ रहा है, लोग कहां दिमाग लगाते हैं। अरे गिफ्ट रिपीट नहीं होते, तुम ये देखो ना गिफ्ट रिपीट भी नहीं होते जाता, बहुत कम चांसेस है। जिसने भी दिया है थैंक यू सो मच यार। अजमत अगर तुम मेरी वीडियो देख रही हो, फहीम की फ्रेंड, उसने भी मुझे बहुत प्यारे प्यारे दो वाज दिए थे, इतने बड़े बड़े थे वो मेरे घर पे। अच्छा वो मामू का आदमी ले घूम रहे थे तुमने, बड़ा सा ग्रीन में, बहुत सुंदर वो, हम उसको बोल रहे थे ग्रुप में, हमारे सारे लड़के वाले साढ़े के सारे बोल रहे थे मैं मामू का आदमी आ गया। वो एक लाश ले घूमता इतनी बड़ी कि मैं मामू का आदमी, तो उसको मजाक उड़ाते कि मामू का आदमी घूम रहा, देखो मामू का आदमी लाश ले घूम रहा है। मैंने नहीं देखा वो गिफ्ट अब तक, देखोगे पर ये बड़ा अच्छा है। थैंक यू सो मच इस गिफ्ट के लिए। नेक्स्ट है इसके अंदर जो पहाड़ बन गया पूरा ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच इसके लिए। ये शायद फहीम की फ्रेंड ने हमें गिफ्ट किया है, तो थैंक यू सो मच। हाँ अच्छा, एक आपके हाथ में रखा था, एक मेरे हाथ में रखा था। चलो जो महंगा होगा वो मैं रख लूंगा। अच्छा ये एक ही जुड़ा हुआ है, ओके लैम्प, ओके ओके टेबल लैम्प, टेबल लैम्प, टेबल साइड टेबल नहीं है, ओके लैम्प लैम्प लैम्प। मुझे लगा ये गिफ्ट मेरा और ये गिफ्ट इसका यार, मैं खुश हो गया था। बहुत अच्छा है, और इसमें बल्ब लाके लगाएंगे इधर। ओह नाइस ब्यूटीफुल, मैं खोलता हूँ बड़ा स्ट्रॉन्ग है ना, बहुत प्यार है, बहुत ही प्यार है। ये वैसा है जैसा होता है ये कुछ जापानीज भी नहीं, बोहेमियन नहीं लुक देता। हाँ। लुक कितना प्यारा है, सुंदर है, बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच थैंक यू जुबी डुबी। अब ये है गिफ्ट मेरे एक दोस्त राठी का, राठी जैस राठी, ये नाम चेंज से हो गई क्या? मैं उसमें अंकित ही लिखा था, दोनों पे मिसेस राठी। ये इस पे ना गलती से निधि का टैग लग गया था, वो शायद निधि का गलती से टैग नहीं, हमें पढ़ने में गलती हो गई थी। नहीं दोनों लिखा है ना, मैं ये कह रही हूँ लो पकड़ो, इसमें लिखा। हाँ देखो मिस्टर मिसेस राठी, इसमें निधि लिखा था। देखो ना ये लिखा अंकित एंड निधि, ये गलती चिपका दी है किसी ने, अंकित अनिधि नहीं लिखा था, मयंक ये लिखा। अच्छा गलत, ओके ओके ओके, ये रहा ये रहा, गलती से मैं गलत पढ़ा। ये दोनों गिफ्ट मेरे दोस्त राठी के हैं, ठीक है, और ये मेरे लिए मिस्टर राइट। मैं बताती हूँ इसका लॉजिक क्या है, मिस्टर राइट दिया है राठी ने, और मिसेस राइट, मिसेस ऑलवेज राइट भाभी ने दिया इसे, मिसेस ऑलवेज, मिस्टर राइट तो है पर मिसेस ऑलवेज राइट। This one for you. ये मेरे लिए, इसमें डिलीशियस में कॉफी पीनी है। मेरे लिए भी कुछ गिफ्ट आया, मैं कह सकता हूँ at last. Thank you brother for this lovely gift. अब इसमें आप कॉफी पियोगे, right? Yes yes, कॉफी पीना start करें। अभी ये last ही गिफ्ट है। एक और गिफ्ट है। ये देख रही हूँ cookie and cafe करके कुछ है। खाने का होगा। Oh wow, ये भी बहुत प्यारा है। अच्छा, okay, ये किसका? ये किसने दिया नहीं पता। यार अगर आप वीडियो देखते हो, क्यों शादी के बाद सबको पता है कि हम वीडियो बनाते हैं, तो ये गिफ्ट जिसने भी दिया बहुत ही प्यारा और बहुत क्यूट सेट है। किसका है? सर्विंग दो बॉल्स है, नमकीन और बिस्किट की, और साथ में कॉफी के 6 मग्स है, बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू, पैकिंग भी बहुत से इसकी अच्छी है, ये भी हम कमाक्षी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। मजाक कर रही हूं। गाइस हमारे दो गिफ्ट रह गए थे, एक है ये ब्यूटीफुल सा वास, एक नहीं है दो है, ये सेट ऑफ टू, ये सुंदर सा वास विद फ्लावर्स जो मेरे फ्रेंड मेरे भाई के फ्रेंड अमित और उसके फ्रेंड्स ने मिलके दिया है, सुंदर सा हाउस डिकोर। ये इसके अलावा हमारे पास ये बहुत सुंदर सा आर्चीज का फ्रेम जो गिफ्ट किया है हमें फाइन वेव्स ने, फाइन वेव्स रिंकू प्रशांत एंड गिरीश,
शाहनवाज का गिफ्ट तो कुछ अलग ही था, अलेक्सा अलेक्सा। सो ये भी बहुत सुंदर है, इसमें मैं अपनी और माई की ब्लैक कलर की फोटो बनवा के, लाइक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगवाऊंगी। अभी लास्ट गिफ्ट है भाई, गिफ्ट में नाम लिख दिया करो, नहीं था यार छूट गया, किसी का नाम लिखा होता छूट गया। इतने पहले शायद के पास बहुत है, बर्तन का वैसे शौक है। ये है इसके अंदर, और बहुत ही प्यारा सेट है, क्रॉकरी सेट। थैंक यू सो मच जिसने भी गिफ्ट दिया है, हमें नहीं पता किसने दिया पर जो भी दिया बहुत प्यारा दिया है। चलो क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग की तो सारे गिफ्ट। थैंक यू। एक और है, ये गिफ्ट छोड़ना है तो आप लाइफ में ये शायद अपने घर से लगी है, अपने आपको गिफ्ट किया था। ये बड़ा प्यारा सुंदर है, कितना प्यारा सा है, बड़ा क्लासिक है ना। ओके गाइस, तो हमें ज्यादा गिफ्ट नहीं मिले, हमें कैश बहुत मिला है हमारी शादी में ना, हमें कैश के लिफाफे बहुत मिले। गेस्ट रिस्ट्रिक्शंस हो गई थी, मतलब लिमिटेशन आ गई थी पे, बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन हो गई थी पे। हमारी फरीदाबाद में शादी थी तो वहाँ पे 100 की लिमिट थी, ओपन ग्राउंड में हमने 100 ही लोग बुलाए, 100-105 मुश्किल से, तो इसमें इतने मिल गए और बाकी कैश का हमारे पास बहुत सारा माल आया है। अच्छा, जो कि हम 50-50 करेंगे, 50-50 करेंगे, एक लिफाफा इसको मिला, एक लिफाफा दो लिफाफा मिला और इसने एक जगह जोड़ के रख लिया, मेरा दिन मेरा आधा ये पैसा देगी मेरे को। ओके गाइस, तो ये था हमारा आज का व्लॉग, जो हमें गिफ्ट्स मिले इतने प्यारे प्यारे, मेरे पैरों में दर्द हो चुका, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने जाना, मैं थका हुआ हूं। नहीं कोई नहीं, किसका ही नहीं लिखा पैर दबाना पत्नी को। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर अभी आपको और भी देखने बहुत, देखो ये हमने छोटी छोटी क्लिप्स बना रहे हैं और अभी हमारा घर बिल्कुल फैला हुआ, अब तक हमने अपना बेडरूम सेट नहीं किया, ये जिसे हम शूट कर रहे हैं हमारा स्टूडियो, हमने ये भी सेट नहीं किया, सारी तरफ सामान ही सामान है शाय का। तो अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए, ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स आपको मिलते रहेंगे, हम अपना रूम सजाएंगे, शाय का सामान सारा बाहर पड़ा, उसके बाद इसको अलमारी दूंगा मैं और ये अपना रूम सेट करेगी, उसके बाद अपना स्टूडियो हम सेटअप करेंगे, अपना अभी कमरा सेटअप करेंगे, हर चीज सेटअप करने में भी हमें हर चीज को हम शूट करेंगे और आपको दिखाएंगे छोटी छोटी वीडियोस 10-12 मिनट की जो भी बनती रहेगी। गाइस, आई होप आपको ये आज का वीडियो भी पसंद आया होगा, एंड आई थिंक ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस नए घर का, मेरे चैनल पे, मेरे व्लॉग चैनल पे, पसंद आया तो प्लीज लाइक मेरे चैनल पे कल वीडियो। इसके बाद में हम कल पहली बार शादी के बाद हम बाहर जा रहे हैं और उसका वीडियो हम शूट करेंगे, घूमने जा रहे हैं। बाय गाइस।